फ्रेंड्स, मैं मयूर विफिक्स इंडिया से आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको हमारा ये जो बीजीए रिवर्क सेशन है R6860 उसके बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। ये ऑप्टिकल अलाइन वाला बीजीए मशीन है। यहाँ पे कैमरा लगा होता है जिससे आप आईसी और ट्रैक्स के जो आईसी के बॉल्स और ट्रैक जो है वो इजीली मिला सकते हैं। और ये जो हीटर है वो नीचे आके आईसी को ऑटो पिक कर लेता है और ऑटो माउंट भी कर देता है। यहाँ पे वैक्यूम लगा होता है जिसकी वजह से वो आईसी ऑटो पिक और ऑटो ड्रॉप कर देता है। तो हम एक प्रैक्टिकल करके थोड़ा देखते हैं। इसमें से ये रैम आईसी निकालते हैं। सबसे पहले तो इधर माउंट करना है बोर्ड को। और यहाँ पे जो ये लेज़र बीम है वो आईसी का सेंटर दिखाता है, तो सेंटर सेट करने के लिए यहाँ से आप प्लेटफॉर्म को मूव कर सकते हैं। तो अभी ये बीम जो है वो एग्जैक्टली आईसी के सेंटर में आ रहा है। और ये मैं नीचे का हीटर जो है वो उसके लेवल पे सेट कर दिया है। अब यहाँ पे प्रोफाइल सिलेक्ट करनी होती है। जैसे कि हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट कर्व में जाके मैंने ये प्रोफाइल दिखेगी, यहाँ पे जो भी डेटा रहेगा वो सिलेक्टेड डेटा यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे जाके प्रोफाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग प्रोफाइल्स दी गई है, टेस्ट वन टेस्ट टू लीड बॉल्स अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी प्रोफाइल अलग है, लीड फ्री बॉल्स की प्रोफाइल अलग है, ये रैम की एक प्रोफाइल बनी है। तो उसको मैं सिलेक्ट करके डाउनलोड कर दिया। तो अब यहाँ पे वो लोड हो गई है प्रोफाइल। अभी यहाँ पे हम आईसी रिमूव कर रहे हैं, इसलिए रिमूव मोड यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। ये रिमूव माउंट सेमी ऑटो मैनुअल ये सारे मोड है उसके, तो उसमें से रिमूव मोड सिलेक्ट किया मैंने और रन दे दिया। तो आप देख रहे हैं जैसे कि ये हीटर जो है अपने आप नीचे आ रहा है और वो आईसी के नज़दीक आके रुक जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हीटिंग स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे अप हीटर डाउन हीटर दोनों दिखते हैं। यहाँ पे 7 सेकंड दिखेंगे और यहाँ पे ग्राफ भी है वो दिखेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ग्राफ भी ऊपर चलता जाएगा। तो अभी ये बज़र बजने लगा मतलब कि हीट हो गई है। तो यहाँ पे आईसी जो है वो ऑटो पिक हो जाएगी। आप देख सकते हैं आईसी जो है वो नोज़ल में ही यहाँ पे रहेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से आईसी जो पिक होके वैक्यूम में ही ऊपर आ गई नोज़ल के साथ। तो इस तरह से आईसी को यहाँ से रिमूव करते हैं। अभी आईसी को हम ऐसे ले सकते हैं हाथ में। अब ये आईसी को क्लीन करके नए बॉल्स लगा के वापस उसको लगा सकते हैं, या तो दूसरा आईसी डालना है तो दूसरा आईसी जो है वो रेडी उसमें बॉल लगे होते हैं उसको यहाँ पे रख के हम माउंट करते हैं। तो पहले हम इसको क्लीन कर लेते हैं। तो ये आईसी हमने रेडी कर ली है नए बॉल्स लगा के। अब इसको यहाँ 1 नंबर की पिन के हिसाब से सेट करके यहाँ पर वैक्यूम में ऐसे माउंट कर देंगे पहले। यहाँ पे आईसी जो है वो सेट हो गई। अब कैमरा को बाहर लेंगे तो यहाँ पे आईसी का सारा व्यू दिखेगा। जो ये ब्लू दिख रहा है वो आईसी के बॉल्स हैं और यहाँ पे जो सिल्वर दिख रहा है वो पीसीबी के ट्रैक्स हैं। तो अभी हम आईसी को अलाइन करेंगे। यहाँ से प्लेटफॉर्म मूव हो सकता है और यहाँ से ये रोटेशन होगी आईसी। ये ब्लू वाले डॉट्स को पीसीबी के ट्रैक्स के साथ मिलाना होगा।
तो ये जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिल गए हैं, बॉल्स सारे मिल गए हैं, ट्रैक्स बॉल जो है वो ट्रैक्स के साथ मिल गए हैं। तो इस तरह से पहले ऑप्टिकल अलाइनमेंट कर लेना होता है। अभी कैमरा को हटा देना है और यहाँ पे हम आईसी चिपका रहा है इसलिए वेल्ड मोड सिलेक्ट करना होगा और रन बटन प्रेस कर देना है। तो ये जो हीटर है वो अपने आप नीचे आएगा और आईसी जो है वो नीचे ड्रॉप हो जाएगी। ये हीटिंग भी स्टार्ट हो गया है, आईसी ड्रॉप हो गई अपने आप और हीटिंग स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हीटिंग अभी वापस इंक्रीज होने लगा है। यहाँ पे ग्राफ भी ऊपर जाने लगा है। तो अभी कुछ नहीं, ऐसे वेट करना है पूरा प्रोसेस प्रोफाइल ख़त्म होने तक। अपने आप साइरन आएगा और प्रोफाइल ख़त्म होके ही ये आईसी चिपक जाएगी। ऑलमोस्ट ये प्रोसेस ख़त्म होने को है। जैसे ही प्रोसेस ख़त्म होगा बज़र आएगा और अपने आप जो है वो हीटर ऊपर चला जाएगा। ये बज़र आ गया मतलब कि हीटिंग ख़त्म हो गया और ये हीटर जो है वो अपने आप ऊपर चला गया, आईसी यहाँ पे चिपक गई है। तो अभी हम बोर्ड को छू नहीं सकते क्योंकि अभी वो गर्म है, तो ठंडा होने तक उसको वेट करना है। तो इस तरह से ये मशीन जो है वो वेरी यूज़र फ्रेंडली है। इसमें ऑटो पिक और ऑटो ड्रॉपिंग का फंक्शन है आईसी का, तो इजीली आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसी तरह के टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करते रहिए। थैंक यू।